पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को जब आमने सामने होंगी तो दोनों की नजरें जीत हासिल करके अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करने पर टिकी होंगी। सनराइजर्स और पंजाब दोनों ने चार चार मैच में समान दो जीत दर्ज की हैं और दो मैच खंवाए हैं। ये दोनों उन चार टीम में शामिल हैं जिनके चार चार अंक हैं और दोनों की नजरें जीत हासिल करके तालिका में आगे बढ़ने पर लगी है। पंजाब और हैदराबाद की टीमें जब भी आमने सामने आई हैं तब सनराइजर्स टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए जिसमें से हैदराबाद टीम ने 14 में सफलता हासिल की जबकि 7 में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक ही मैच हुआ था जिसमें हैदराबाद ने बाजी मारी थी। पंजाब के पास भी बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो और लियाम लिविंगस्टोन की मौजूदगी में पंजाब के पास भी बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी हैं लेकिन कप्तान धवन के अलावा अन्य किसी के प्रदर्शन में निरंतरता नजर नहीं आई है। पंजाब को अपने भारतीय खिलाड़ियों प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले जीतकर इस मैच में उतरेंगी और नवनिर्मित महाराज यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस सिर्फ दूसरे आईपीएल मैच में पावर प्ले में टीम का प्रदर्शन अहम भूमिका निभाएगा। पंजाब और हैदराबाद दोनों टीमों की गेंदबाजी चिंता का विषय है। पंजाब की टीम को डेथ ओवरों में जूझना पड़ा है जबकि सनराइजर्स के गेंदबाज नई गेंद से काफी महंगे साबित हुए। पंजाब के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा 6 विकेट के साथ उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं लेकिन डेथ ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी टीम के लिए चिंता की बात है। लेग स्पिनर राहुल चाहर काफी महंगे साबित हुए हैं लेकिन हरप्रीत बरार ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया। हैदराबाद की ओर से जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे और भुवनेश्वर कुमार ने काफी रन लुटाए हैं। काफी अनुभवी होने के बावजूद भुवनेश्वर को नई गेंद से जूझना, वह पिछले मैच में हालांकि विकेट चटकाने में सफल, दो मैच से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले टी नटराजन ने अब तक 4 विकेट हासिल किए। अब तक 4 मैच में 5 विकेट चटकाने वाले कप्तान पैट कमिंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उन्हें अन्य गेंदबाजों से लगातार समर्थन की जरूरत है। दोनों